बुलंदशहर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा थाने में कोतवाली व थाने का घेराव किया गया। उसी क्रम में जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली का तहसील अध्यक्ष अनुज चौधरी उर्फ नीलू प्रधान के नेतृत्व में किसान नेताओं ने घेराव किया। और शिकारपुर कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदार अध्यक्ष अनुज चौधरी उर्फ लीलू प्रधान ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता की गिरफ्तारी के बाद हमें सभी पुलिस थानों का घेराव करने का आदेश मिला था। दिल्ली पुलिस के द्वारा सम्मानपूर्वक हमारे राष्ट्रपति वक्ता राकेश टिकैत को छोड़ दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने शिकारपुर कोतवाली का घेराव किया। अब्दुल कुद्दुस की यह खास रिपोर्ट है कि जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी कहीं से लौट रहे थे। लौटने के उपरांत दिल्ली में पुलिस विभाग द्वारा राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रीय आह्वान हुआ कि नज़दीकी थानों का घेराव किया जाए और जब तक टिकैत साहब को छोड़ा नहीं जाए जब तक थानों का घेराव जारी रहेगा। अभी हमको सूचना मिली है कि टिकैत साहब को छोड़ दिया गया है, उसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। टिकैत साहब कहीं जा रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई दिल्ली। उसी विषय में पूरे राष्ट्र का आह्वान था कि हर थाने का घेराव किया जाए जब तक टिकैत साहब को न छोड़ा जाए। और भाई हम तो टिकैत साहब के सिपाही हैं, यदि मान लीजिए टिकैत साहब को कोई भी आँच आती है तो हम तो जेल भरो आंदोलन भी शुरू स्टार्ट कर देंगे। ये तो थाने का मामला है।